हेलो, वेलकम, स्वागत है सब जनिन को हमारे यूट्यूब के चैनल पटेल फैमिली ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज 10 बजे से। पीछे घड़ी दिख रही है पर घड़ी में टाइम नहीं दिख रहा। कैसे हो सब? हम बहुत बढ़िया हैं। देखन वाले, सुनन वाले सब जनिन के हमारी राम राम। आज हमारे घर बन रहे हैं ब्रेड पकौड़ा और हम कर रहे हैं ब्रेड पकौड़ा की तैयारी। देख सकते हो हमने ब्रेड भी काट के रख लिए हैं और अब हम सेट कर रहे हैं भरता। चूल्हा के ऊपर हमारी कढ़ाई रखी है जिसमें तेल गरम हो गया है और एक कढ़ाई में हमने बेसन को घोल भी बना लिए हैं। ब्रेड के बढ़िया कट करके उन्हें शेप दे के और उनमें भरता लगा के उन्हें चिपका रहे हैं। आज तो रविवार को दिन तो सब घर में थे पानी की गिरन की वजह से। स्कूल वाले तो घर में ही थे रविवार के कारण, पर खेत जानो भी नहीं हो तो कहे कि परसों के दिन से पानी गिरत तो खेत के काम भी बंद थे और बाहर के भी जो काम थे वो भी ने रुके थे पूरे। बाहर भी जानो नहीं हो पा तो सब घर में ही थे। सबको नहानो धोनो हो गए तो सवेरे से और स्कूल चालू हो गए हैं तो स्कूल के जो जूता मोजा और स्कूल के जो सामान रहे थे वे लेन के लाख हम गए थे छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से लाए थे ब्रेड। वैसे तो हमारे गांव में जे ब्रेड और भी जे सामान जो रहे थे वो नहीं मिल पावे। ब्रेड है और कुरकुरा वगैरह बिस्किट तो मिलत है पर ब्रेड नहीं मिले, तो जे हम लाए थे छिंदवाड़ा से। या तो छिंदवाड़ा से जानो हो थे तो वहाँ से आए थे या फिर हमारे पास में 3 किलोमीटर दूर में मार्केट है वहीं से आनो आ थे। आज सब घर में ही थे और लड़कन की भी डिमांड थी कि हम दूध के साथ में ब्रेड नहीं खाएं, हमें ब्रेड पकौड़ा ही चाहिए। तो हमने भी सोचे चलो बरसात भी हो ही रही है और सब घर में भी हैं तो बना लिए थे ब्रेड पकौड़ा। इनके जिद की वजह से सबके मिल जाए खान के लाख तो हम बना रहे हैं बढ़िया बढ़िया ब्रेड पकौड़ा। तो आ जाओ सब भी बढ़िया बरसात को मज़ा लें ब्रेड पकौड़ा खान। सवेरे से बहुत तेज़ पानी गिरत तो जिसके कारण से जो चूल्हा के बाजू तक सब जगह गीली गीली दिख रही है। बहुत बौछार आई थी तेज पानी के कारण हवा की वजह से। हवा वालों अगर पानी आता है तो वो काफ़ी दूर तक गीलो कर देते हैं तो हवा भी चलती और पानी भी आता, जिससे जो यहाँ तक सब गीलो गीलो दिख रहा है, नहीं तो जो इतना गीलो चूल्हा के किनारे तक होवे नहीं। हमारे पास गोबर गैस भी है, सिलेंडर भी है और इंडक्शन भी है, पर हम खाना चूल्हा ही में बनाते हैं। पहले से चूल्हा के खाना खाने की आदत है, अगर गैस में खाना बनाओ तो गैस को खाना फिर पचे नहीं और सबके डाइजेशन में दिक्कत हो जाता है। कोई की उल्टी, कोई के दस्त या कोई को पेट दर्द, यही कारण से हम चूल्हा में खाना बनाते हैं दोनों टाइम कोई भी मौसम रहे। साइड में जो कबाड़ दिख रहा है ये पे ध्यान मत देने। जो बरसात के कारण से जो खाद की बोरी वगैरह है उन्हें सब हमने लाके यहाँ पे रखे हैं, जब बरसात बंद हो जाए तब हम इन्हें धुलें। अगर बरसात के टाइम में इन्हें धुलो तो जे सूखने के कारण से इनमें बारीक बारीक कीड़ा हो जाते हैं लाल से, भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाते हैं। फिर ऐसी की चीज़ अगर कुछ बनाओ तो बनने में टाइम लगत है और सबके लग गई है भूख। सबने आज जल्दी जल्दी सवेरे से नहाला है तो सब इंतज़ार कर रहा है कि कब बने और कब हम खाएं। और आर्यन तो थाली ले लेके बस दे दो, सिक्का हो तो दे दो, उनको ऐसे ही काम चालू है। अब जैसे सिक्कत हैं सबके दे थे नाश्ता। सब अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बने और कब हम खाएं और हमें भी लगी है भूख। वैसे तो सेक रहे हैं तो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं बढ़िया से, वो खाने में भी बहुत टेस्टी लगे थे। ये चीज़ें गरम गरम अगर खाओ तो बहुत अच्छी लगा था और सब घर में थे तो सबके गरम गरम ही मिली। हमने भी काम ख़त्म होने के बाद में बढ़िया गरम गरम से नाश्ता करे। सिक्को और जे तैयार अपनी थाली लेके देख सकत हो, बढ़िया कर लो नाश्ता। इन्हें भी इंतज़ार करत करत लग गई है भूख तो जे लग गए हैं लाही खान। लाही बोले तो पॉपकॉर्न जे हमारे घर की मक्का की हैं, हम लाही वाली मक्का भी लगाते हैं तो जे देख लो इन्हें हमारी भाषा में लाही बोलत है। और वैसे तो पॉपकॉर्न
पर हमारे घर की भाषा में इन्हें लाही बोलत है। तब तक कर रहे हैं जी अपनी भूख थोड़ी शांत, अब इन्हें मिल गया है नाश्ता लाही और ब्रेड पकोड़ा। गरम गरम धुआं निकल रहा है ब्रेड पकोड़ा में से, बढ़िया सुमट्ठा ब्रेड पकोड़ा। ब्रेड पकोड़ा बनने के बाद में बाकी जो भरता बचो है और बेसन को घोल बचो है उसे हम बना ले रहे हैं आलू पोंडा, और गोली बनी रखी है और सिक रहे हैं, तो देखो मस्त से सिक रहे हैं बढ़िया, देखने में बढ़िया से लग रहे हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी थे। ब्रेड पकोड़ा भी बढ़िया दिख रहे हैं क्रिस्पी क्रिस्पी से। जे कर रहे हैं यहाँ नाश्ता और बाकी जन भी कर रहे हैं बाहर, तो चलो देखें उन्हें भी बाहर टीवी देखत देखत। संडे के दिन उनको नाश्ता बाहर ही चलत है टीवी के सामने पूरे दिन। जे बैठे हैं टीवी के सामने, यहाँ चल रहा है कार्टून। जे है एक जिनकी प्लेट हो गई खाली, जे दूसरे इनको चल रहा है और टीवी में चल रहा है कार्टून। देख तो ले, इन्हें आ गई है गुस्सा, इन्हें पड़ी है आज डांट। देख 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 देख, ऊपर मुंह करके भी नहीं देख रही है। यहाँ भैया जी लगे हैं मक्का की थैली की कटिंग करने में। जो मक्का की थैली की कटिंग करके बना है इनके कुछ नए नए आइटम, पता नहीं क्या बना रहा है। जो बैठे हैं हमारे कालू महाशय कुत्ता जी, इनने हमारे पैरदान के पूरे दाना निकाल दिया है। जो बैठे हैं दूसरे खा पी के अपने बिस्तर में मस्त मजे से। बाहर देख लो पानी से पूरो गीलो गीलो हो गया है, बरसात चालू छे पानी गिरनो, बरसात भी गजब है। थोड़ी देर पहले झमाझम बरसात होती, अब धूप भी निकल गई है और पानी भी गिर रहा है। जो देखो धूप भी दिख रही है और पानी भी, दोनों साथ में। ऐसे तो नहीं दिख रहा है कि पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसे वो अगर हो थे धूप भी निकला था और पानी भी गिरा था तो हमारे यहाँ बोले जाते कि लड़िया की शादी हो रही है, ऐसा पानी गिरा था। वैसे नहीं दिख रहा है पर टप में देखो यहाँ पानी भी गिर रहा है और यहाँ धूप भी है दोनों। खाना नाश्ता के बाद में जे लग गए अपने काम करन, पीछे हो रहा है आराम माता जी को। जे लग गए हैं जो फट्टी ने काटे थे उनमें सिलाई करन, पता नहीं जे बना कर रहे हैं फट्टी बना रहे कि का बना रहे पता नहीं है। जे डालन लगे धागा, अब डाल है सुई में धागा और फिर करें सिलाई। इनको काम चल रहा है, इनको काम चलन दे थे, अब हम भी करते हैं थोड़ा सो आराम। आराम के बाद में फिर मिल हैं, इन्हें डाले सुई में धागा और चालू मशीन। मशीन पन्नी में सिलाई हो नहीं पा रही है, धागा छोड़ रही है और पकड़ रही हैं पन्नी। हमने थोड़ी देर आराम करे और बहुत तेज़ धूप निकल गई, तो कुछ कपड़ा हमने यहाँ डाल दिया और कुछ कपड़ा हमारे डले हैं यहाँ। बरसात के दिन में सबसे ज़्यादा दिक्कत कपड़न की रहते है, अगर बरसात हुई थे तो कपड़न में बहुत ज़्यादा बदबू आने लगा थे, भले तो भी सूखे सूखे से लगा थे पर उनमें से स्मेल भी आने लगा थे। जे बंधी है हमारी गैया जो कि जंगल जात है पर अभी नहीं जा रही है, बहुत दिन से गई नहीं थी तो वे जा ही नहीं रही है, आधे रास्ता से वापस आ जात है तो घर ही बंधी है और गई हैं और घर में ही हैं। जो है हमारो गोबर गैस को निकलवा लो ड्रम, जा है कुआं उलचन की हमारी मशीन। जे बाकी सब खड़े हैं कल्टीवेटर ट्राली ट्रैक्टर जो धुल के खड़े हैं, सब खे धुल दे हैं, इनकी सफाई कर दें इन्हें अंदर रखन के लाख। और वो खड़ो दूसरो ट्रैक्टर वो में फंसी है सिडिल, इनकी भी सफाई भई है आज, तो इन्हें सब खे रख दे हैं हम अब अंदर, थोड़ी सी धूप लग जाए अच्छो भाव धुल के भाव थो। और आज धूप निकल गई तो धूप में थोड़ी सी जी सूख जाएँ फिर इन्हें रख दे हैं अंदर। चलो देखत हैं सिडिल कैसे साफ भई।
और ट्रैक्टर तो बढ़िया दिख रहा है, चकाचक दूर से ही सिरिल के भी देख लेते हैं कि कैसे साहब भाई है। धुले नहीं कि इनके ऊपर पूरी नीम की निमोरी गिर गई है, सवेरे इनकी धुलाई भई थी और जी नीम की निमोरी पूरी इनके ऊपर गिर गई है। अब इन्हें अंदर रख दे हैं और अंदर रखने के बाद में फिर बरसात के बाद निकाल हैं और थोड़ी बहुत जो इनमें रिपेयरिंग करन की रहत है वो बरसात के टाइम में अंदर रख के हो जात है। चाहे हमारी मक्का वाली सिडिल इनमें सिर्फ मक्का की बुनी होत है और जो पहले जो दूसरी सिडिल देखे है जा वाली इनमें गेहूँ सोयाबीन धान चना बाकी जो भी सब चीज़ हमारे तरफ लगात हैं उनकी सबकी बुनी होत है और बढ़िया सब तरफ हरो भरो बरसात के चालू होने से सब तरफ चारा उग गए हैं। बाहे हमारी मशीन अभी धुली नहीं है, मशीन के यहाँ लहाँ इतने आगे में फिर ओके धुल के रखे हैं। देख लो बढ़िया सा नज़ारा धूप से। हम हैं अभी हमारे घर के खरियान में और सब तरफ हरो भरो बढ़िया सो चारा उग गया है, सब तरफ हरियाली हो गई है बरसात के आने से, पूरी तरफ चारा ही चारा है। जो है हमारा खलियान हमें में कुछ नहीं लगा में, हमारे यहाँ की ज़मीन पथरीली ज़मीन है, अगर हमने में जुताई बखरानी करे तो जितनी मिट्टी रहे थे वो पूरी बह जाती है। 3 दिन पानी गिरने के बाद में आज दोपहर के बाद से मौसम खुल गया है, बढ़िया सी धूप निकली है आज। धूप अगर निकली बरसात के दिन में 2-4 दिन के बाद में तो फिर तो काई कहने। धूप निकल रही है, बंद हो रही है, मौसम बढ़िया सुहुओ है। यहाँ बैठ के धूप को आनंद ले जा रहा है हरियाली में, बढ़िया। बोलो कुछ, यहाँ धूप नहीं आ रही है, यहाँ हवा लग रही है बढ़िया ठंडी ठंडी। धूप भी तो आ रही है, देखो वहाँ से धूप आ रही है। धूप तो आ रही जा रही है, आ रही जा रही, आ रही जा रही है धूप। बढ़िया बढ़िया सा मौसम, कहीं नीलो आसमान कहीं बादल। ओ मच्छर चबवात बैठे हम आज संडे है और जो खेले ना ऐसो तो हो ही नहीं सके, इनको खेलनो लड़नो झगड़नो चालू। पहले 2 खेलते फिर 3रे आए, 3रे से अब 4 हो गए हैं, जो थोड़ी देर खेल हैं और फिर लड़ाई झगड़ा चालू। आजकल तो जो सब कुछ खेलनो जैसे बंद ही हो गया है, आजकल के बच्चन के तो बस चाहिए टीवी या मोबाइल, पर हम ज़्यादातर समय इन्हें टीवी मोबाइल भी लिमिटेड टाइम के लाग देते हैं और देखन ज़्यादातर तो इन्हें बस बाहर खेलो, थोड़ी बहुत कोई भी एक्टिविटी करो अपनी। जो लगे हैं खेलने में जो है टिप्पू, अभी 1 की बारी चल रही है, दोनों पहले से खेले हैं तो अब 1 की बारी चल रही है। अब है आर्यन की बारी, जे डाले टिप्पू, अब चालू लंगड़ी खेलनो।
अब आ रहे हैं सबसे छोटे मेंबर, सबसे छोटे कप्तान खेलने में मैदान में। वाह उचके, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, अब खत्म। तू कल स्कूल गई थी ना? हाँ। तो? तो, हाँ, चोनू मोनू बाद में करियो जो बता। मैं चॉकलेट, मैं चॉकलेट। नहीं नहीं, तू तुम कल स्कूल गए थे ना? हाँ गई। तो मैम ने क्या बोली? अरे सुनो। अरे सुनो सुनो, नहीं मैम ने क्या बोली? जल्दी आ, पहले पीते थे अब छोड़ दिए। बोल, कल स्कूल गई थी ना? मैम ने बोली, क्या बोली सुन तो, मैम ने कहा पढ़ाई कल बंटू? हाँ तो जो मोबाइल में गाना तो बोल, बोल मोबाइल। अच्छा गाना, पागल अच्छा गाना, पागल गाना अच्छा गाना। हाँ। फिर से बोल। नहीं आ रहा। आ रहा ना, आ रहा ना, बोल तो। पापा पीछा, पापा पीछा नहीं, पहले पहले गाना, पहले गाना। पापा पीछा रहे। हाँ पापा पीछे आ रहे, पहले गाना बोल। मोबाइल में गाना तो बोल, वो चालू हो जाए, गाना चालू हो जाए, बोल। पागल अच्छा गाना, पागल अच्छा गाना, पागल गाना अच्छा गाना। हाँ। अच्छा, और मैम ने, मैम का बोले थी कल से मम्मी को लेके आना, बोल तो। तेरी मैम देख रही है मोबाइल में। मम्मी गिर। रामायण चल रही है पुरानी वाली, हमें तो अच्छी लगत है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ में। और वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। धन्यवाद। राम।